भारत के शिक्षण क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और विद्यार्थियों की प्रगति में नया अध्याय शुरू करने का सपना देखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। उनके इस विजन को रियलिटी में बदलने में गुजरात कैसे पीछे रहता, जब मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में मजबूत समावेशी और सशक्त शिक्षण प्रणाली की नींव उनके द्वारा ही रखी गई थी। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री की भूमिका में उन्होंने गुजरात के शिक्षण विकास को मिशन मोड पे आगे ले जाने की ठान ली और शाला प्रवेशोत्सव, कन्या केलवनी महोत्सव और गुणोत्सव जैसी अनेक अभिनव योजनाओं को अमल में लाकर एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षण की ओर बढ़ने के लिए शिक्षकों की पारदर्शक भर्ती और जरूरी माळखाकीय सुविधाएं सुनिश्चित कराते हुए उन्होंने गुजरात को शिक्षण क्षेत्र में अविरत प्रगति की नई दिशा दी। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के समर्पित नेतृत्व में और गुजरात सरकार और शिक्षण विभाग के प्रयासों से गुजरात ने हर कोशिश की है कि राज्य के हर एक बच्चे को मिले होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड शिक्षण। ये संभव हुआ है गुजरात के शिक्षण विकास के केंद्र बिंदु समान विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य से प्रेरणा लेकर विद्या समीक्षा केंद्र को गुजरात के शिक्षण प्रणाली की नव सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है, जहां विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी की मदद से राज्य भर के डेटा का एकीकरण और विश्लेषण तो होता ही है, साथ में इसी डेटा के उपयोग से गुजरात के शिक्षण स्तर को और भी सशक्त करने की योजना पर ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार के नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षण क्षेत्र में भारत का ऐसा पहला डेटा ड्रिवन मॉडल है जिसने हर एक शाला, शिक्षक और विद्यार्थी के रियल टाइम मॉनिटरिंग को यथार्थ किया है। विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत किए जा रहे विस्तृत विश्लेषण ने छात्रों के शिक्षण परिणामों को सीधे सीधे प्रभावित किया है, जिससे ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स में महत्वपूर्ण सुधार संभव हुए हैं। इस केंद्र के माध्यम से गुजरात शिक्षण क्षेत्र में डेटा और टेक्नोलॉजी पर आधारित अनेक सफल पहल और योजनाएं संभव हुई है, जैसे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा शुरू किए गए शाला प्रवेशोत्सव को टेक्नोलॉजी और डेटा के साथ जोड़कर गुजरात ने शाला प्रवेशोत्सव 2.0 की रचना की, जिससे जन्म के आधार पर होने वाली डेटा मैपिंग से नामांकन आज 100% तक पहुँचा है। साथ कन्याओं के नामांकन में हुई है बढ़ोतरी और छात्रों का ड्रॉप आउट रेशियो हुआ है कम। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में डेली ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने से केवल एक साल में 80% से अधिक अटेंडेंस वाले बच्चों की संख्या में 26% की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार के निपुण भारत प्रोग्राम के साथ चलते हुए वाचन, लेखन और गणन का मूल ज्ञान कक्षा 3 में जाने वाले हर बच्चे में हो, इस ध्येय से बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक हर त्रैमासिक में विद्यार्थियों के वाचन, लेखन और गणन के कौशल्य का मूल्यांकन निदान किया जाता है। आज 3 से 12 कक्षा के छात्रों की केंद्रीकृत साप्ताहिक और सत्रांत परीक्षाओं के माध्यम से हर विद्यार्थी की हर एक परीक्षा के परिणामों की ऑनलाइन डेटा एंट्री होती है। परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों के त्वरित और सटीक संकलन के लिए डेवलप किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सरल ऐप, जिसकी मदद से गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सूचित किए गए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की ओर एक कदम बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत हर एक छात्र के लर्निंग आउटकम बेस्ड रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए हैं। एनईपी के स्कूल एक्रेडिटेशन के महत्वपूर्ण सूचन पर ध्यान देकर गुणोत्सव 2.0 के अंतर्गत सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों का असरकारक ग्रेडिंग और मॉनिटरिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। एनईपी में दर्शाए गए टेक्नोलॉजी के असरकारक उपयोग को अमल में रखते हुए गुजरात में शाला व्यवस्थापन को बेहतर बनाने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, जिससे शालाओं और शिक्षकों का काम हुआ है डिजिटाइज्ड।
डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा पर गुजरात की अग्रता के कारण कोविड के दौरान भी गुजरात के बच्चों की शिक्षा नहीं रुकी। अपनी होम लर्निंग पहल के तहत गुजरात ने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वर्चुअल क्लास द्वारा 25 करोड़ से भी अधिक वर्चुअल क्लास और गुजरात वर्चुअल शाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव क्लास के 8 करोड़ से भी अधिक व्यूज प्राप्त हुए हैं, और साथ ही बाईसेक और दूरदर्शन के 13 जितने टीवी चैनल्स के माध्यम से लाइव क्लासेस का आयोजन भी हुआ है। गुजरात के विद्यार्थियों के लिए हर विषय की QR कोडेड टेक्स्ट बुक उपलब्ध है, जिसके साथ दीक्षा डायरेक्ट प्ले नेशनल रैंकिंग में गुजरात प्रथम रैंक पर पहुंचा। आज अपनी एडटेक कंपनी स्थापित करने वाला गुजरात प्रथम राज्य बना है। गुजरात एजुकेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड GET द्वारा अपनी ई कंटेंट को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए जीशाला ऐप भी लॉन्च की गई है, जिसके साथ राज्य के हर छात्र के लिए विश्व स्तरीय अफोर्डेबल ई लर्निंग कंटेंट उपलब्ध हुआ है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के साथ गुजरात विश्व स्तरीय शिक्षण व्यवस्था खड़ी करने के लिए हमेशा समर्पित रहा है। टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन आधारित ऐसी अनेक पहल के सफल परिणामों से गुजरात में देश के एक व्यापक एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को आकार देने के लिए जरूरी वातावरण प्रस्थापित हुआ है, जिसको आगे बढ़ाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्किल स्केल और स्पीड के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए गुजरात में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु इस मिशन के द्वारा राज्य की तमाम 40,000 सरकारी स्कूल्स का होगा सशक्तिकरण, और जिसके अंतर्गत 150 से अधिक छात्र वाले राज्य के तमाम सरकारी स्कूल्स यानी कुल 15,000 सरकारी प्राथमिक और 5,000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा। इस मिशन से स्कूलों में होगा आमूल परिवर्तन। विद्यार्थियों के लिए 50,000 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, 1.5 लाख स्मार्ट क्लास, 20,000 कंप्यूटर लैब्स, 5,000 स्टेम लैब्स, पर्यावरण लैब, खेल के उपकरण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष जैसी सुविधाओं के साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र के एक विशेष नियंत्रण कक्ष से पसंद की गई स्कूलों का गहन और निरंतर टारगेटेड मॉनिटरिंग किया जाएगा, और राज्य भर के प्रत्येक छात्र के लर्निंग आउटकम का विश्लेषण होगा। गुजरात और समग्र देश के लिए गर्व की बात है कि 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना ऐसा मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक और सामाजिक मिशन है, जिसे वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सहयोग प्राप्त हुआ है। शिक्षण क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की व्यापक और विजनरी प्रयासों की देश और दुनिया भर के महानुभावों ने सराहना की है। और जिसके साथ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI में गुजरात का प्रदर्शन उच्च स्तर पर रहा है। शिक्षण क्षेत्र में नया सूर्योदय लाने वाले पथदर्शक ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई राह पर चलकर टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशनल अभिगम के साथ गुजरात ने समग्र राज्य में उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था को संभव बनाने की दिशा में नए आयाम तय किए हैं, और आगे भी अविरल प्रयासों के साथ इसी दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है गुजरात।